भैया बहनी राम राम। विलेज फूड लाइफ स्टाइल चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा, अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और दोस्तों हमारे काम देखिए दियली देने आए हैं, जो प्रजापति कुहार हैं, मैं चल रही हूँ दिया लेने। हमारे गांव में जो कुहार होते हैं दोस्तों प्रजापति, और उन्होंने हमारे गांव में देखे दिया लेके आए हैं, मैं चल रही हूँ दिया लेने। तो गांव क्या होता है दोस्तों, जो घर में अनाज होता है गेहूँ चावल दाल जिसे घर में होता है, आप लोग देखिए हम लोग देकर दिया लेते हैं। अब मैं लग चल रही हूँ देखिए दिया लेने। तो सबसे पहले देखिए मैं नल पे देखिए दिया लेके आई हुआ, अच्छे से धुलूंगी, कैसे भी मिट्टी लगा हुआ है, पानी में देखिए डाल देती हूँ दिया। तो दिया देखिए एक दूसरे साइड पलट कर रखेंगे, जिसमें पानी इस तरह है वो बाहर हो जाएगा। तो बड़ा वाला दिया देखिए इसमें काजल बना के तैयार हम लोग करते हैं। तो इस तरह देखिए दोस्तों धान की पिटाई चल रही है। तो जहाँ देखिए हम लोग साफ सफाई करते हैं वहीं पे पूजा पाठ का हम लोग सामान इकट्ठा करके रखती हूँ। दोस्तों देखिए हमारी गुड़िया बहुत ही सुंदर मंदिर बनाए हुए हैं, अब बहुत ही टाइम लगा हुआ है बनाने में। तो अच्छे से देखिए फाइनली सुबह से मिल लटिया कर बनाए हुए हैं। इस समय देखिए दोपहर का टाइम हो गया है, मंदिर हमारी बन के देखिए रेडी हो गई है, तो बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। हमारे दोस्तों ढेर सारा काम रहता है घर में, साफ सफाई देखिए अच्छे से हम लोग मिल कर रहे हैं। देखिए हमारे बच्चों देखिए दीपावली पे आ गए हैं घर, और बहुत जोरों से देखिए सफाई चल रही है। अभी देखिए पंखा को साफ कर रहे हैं, उसके बाद देखिए नीचे सफाई होगी, हो गया। तब ऐसे चलेंगे भी दूसरे घर में दिखाएंगे आप लोगों को, बहुत ये से सफाई चल रही है। तो मैंने देखिए इसी में बोरी में इकट्ठा करके रखा हुआ है, जो नेनुआ का देखिए जो मैंने रखा है छिलका उतार कर बर्तन साफ करने के लिए, जो देखिए छोटा वाला है देखिए मैं इसको इकट्ठा करके रखी हूँ, साल भर इसको मैं यूज करती हूँ। पहले लेके चलेंगे देखिए घर, हमारे अंदर को सफाई कर लिया है, चलेंगे देखिए नल पर सफाई करेंगे। तो पानी देखिए अच्छे से देखिए डुबो लेंगे, बहुत ही मुलायम हो जाएगा। तो मैं इसी से देखिए बर्तन साफ साल भर इकट्ठा करके रख के साफ करती हूँ। तो देखिए थोड़ा थोड़ा इसमें लगाएंगे साबुन, और साबुन लगाकर सभी देखिए डब्बे में अच्छे से देखिए डालकर साफ करेंगे। ढेर सारा देखिए डब्बा है भी हम साफ करेंगे। घर गृहस्थी में दोस्तों ढेर सारा सामान होता है डब्बे में रखने के लिए, जो पहले होता है देखिए मिट्टी के बर्तन में रखा जाता है, इसमें देखिए मिट्टी के बर्तन गायब हो गया है, ढेर सारा अब नहीं बन रहा है, इसीलिए देखिए मैं प्लास्टिक का डब्बा यूज करती हूँ। तो छत पे देखिए दोस्तों ढेर सारा मैंने देखिए डब्बा धुल कर साफ करके डाला हुआ है, अच्छा सूख गया है, और सभी देखिए डब्बे में ढक्कन लगा कर और रखेंगे। एक एक करके सारा सामान हम मैठिए, कौन डब्बा कौन में सेट ढक्कन सेट होगा, कौन कौन में सेट होगा। सारे डब्बे देखिए दोस्तों अच्छे से सूख गए हैं, अब इसको हम यहाँ पे इकट्ठा छत पर से इकट्ठा करके चलेंगे नीचे। किचन में दोस्तों ढेर सारा देखिए सामग्री रहता है रखने के लिए, और डब्बे में मैं अच्छे से रखती हूँ तो खराब नहीं होता, बिल्कुल बहुत ही अच्छे से मैं यूज करती हूँ। देखिए छोटा बड़ा सभी डब्बा मैंने अच्छे से ढक्कन को सेट कर लिया हुआ है, अब छत पर से लेकर चलेंगे नीचे। दोस्तों चलेंगे मार्केट, वहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत सामान खरीदेंगे धनतेरस के दिन,
उसके बाद दोस्तों जो खरीदेंगे आप लोग दिखाएंगे, तो हमारे साथ आप लोग बने रहेगा वहाँ पे, थोड़ा बहुत आप लोग को मेरे गाड़ी करके दिखाऊंगी। दोस्तों देखिए बहुत ही ज्यादा भीड़ है, चलो अपने सासू माँ के लिए कपड़ा खरीदूंगी। यहाँ पे देखिए पापी बनाने के लिए रुई बिक रही है, आप लोग दिखा देते हैं। गुड़िया देखिए दुकान रखे हुए यहाँ पे बैठी हुई है, बहुत तेज देखिए आज झाड़ू बिक रहा है, सभी लोग खरीद रहे हैं धनतेरस के दिन। दोस्तों देखिए सामान खरीदना बहुत जरूरी होता है, जिसको जरूरत है सब लोग खरीदते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मूर्ति बिक रही है, सभी देखिए दीदी बेरा बेरा के यहाँ से खरीद रही हैं। भीड़ थी और अंधेरा हो गया था, इसलिए आप लोगों को देखिए जो मैंने बाजार में शॉपिंग किया हुआ है, तो देखिए आप लोगों को सुबह में दिखाएंगे बर्तन में मैंने क्या लिया है। बहुत ही देखिए प्यारी से छोटी सा क्यूट सा मैंने बाल्टी लिया हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, छोटी है पर दोस्तों बहुत ही मजबूत है, मैंने मजबूती देख के लिया हुआ है। तो दोस्तों मैंने देखिए साड़ी लिया हुआ है, और ये वाली साड़ी देखिए मैंने अपने सासू माँ के लिए लिया हुआ है, तो बैगनी कलर है, देखिए देखने में काफी अच्छा लग रहा है, बहुत ही देखिए हल्का कपड़ा, जो वजन रहता देखिए हमारी सासू माँ नहीं पहन पाती, इसलिए मैंने बहुत ही पतला हल्का कपड़ा लिया हुआ है। इस तरह देखिए आंचल इसमें है, आंचल बहुत ही अच्छा लगता है, जो बॉर्डर वाली धोती होती है दोस्तों वो बहुत वजन होती है, तो जो सासू माँ है वहाँ नहीं संभाल पाएंगी, तो मैंने बहुत ही हल्की लिया हुआ है। तो ये वाली साड़ी देखिए मैंने अपने लिए लिया हुआ है, ये भी देखिए बैगनी कलर है, तो देखने में देखिए काफी अच्छा लग रहा है, आप लोगों की बारी बारी से मैं दिखा देती हूँ। इसमें देखिए मैंने साया लिया हुआ है, ये देखिए वाली धोती आप लोगों को देखिए निकाल के दिखाती हूँ। मैंने देखिए बहुत ही सिंपल में खरीदा हुआ है, ज्यादा इसमें देखिए तामझाम नहीं है, पर बहुत ही पतला सा देखिए बॉर्डर है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो मैंने अच्छे से देखते हुए खरीदा हुआ है। ये वाला साड़ी देखिए मैंने अपने सासू माँ के लिए आई हूँ, अल्लाह दीपावली के पहनो। और दोस्तों देखिये मैंने दो झाड़ू खरीदा हुआ है, और जो हमारे बच्चे हैं दोस्तों देखिए अपने अपने पसंद का कपड़ा खरीद लेते हैं, अच्छे से पहनते हैं, और मम्मी का खरीदा थोड़ा चॉइस कम होता है बच्चों के लिए, इसलिए मैं अपने के लिए अपने सासू माँ के लिए मार्केट से लेके आई हूँ। अगर आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, मैं फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के संग, तब तक के लिए राम राम।